ये आपका है लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मुख्तसर सवालात और जवाबात। सवाल नंबर 1 है ला तुकद्दिमु बैना यदी अल्लाह व रसूलिह वत्तकुल्लाह, इसका तर्जमा करें। ठीक है, ला तुकद्दिमु आगे ना बढ़ो, बैना यदी सामने, अल्लाह ही अल्लाह के, व रसूलिह और उसके रसूल के, वत्तकुल्लाह वाओ का मतलब और, इत्तकु तुम डरो अल्लाह अल्लाह से। ठीक है, ये इसका हो गया है लफ्जी तर्जमा। अब इसका बा मुहावरा तर्जमा ऐसे बनेगा कि अल्लाह और उसके रसूल के सामने पहल ना करो और अल्लाह से डरते रहो, यानी उनके अहकाम के आगे खड़े नहीं होना, उनके अहकाम के आगे बोलना नहीं है। ठीक है, कोई भी मामला हो तो उसमें देखें पहले अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, उसके मुताबिक अमल करना है। ठीक है, अपनी तरफ से कोई राय कायम नहीं करनी। फिर सवाल नंबर 12 है आपका, खत्म नबूवत से क्या मुराद है, कुरानी आयत से वाज़ेह करें। जी, हेडिंग आप देंगे खत्म नबूवत की। खत्म नबूवत से मुराद है नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद क़यामत तक ना कोई नबी और ना ही कोई शरीयत आएगी, ना ही कोई उम्मत आएगी। ये तो हो गए खत्म नबूवत के मायने। इरशाद बारी तआला है इस बारे में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। सवाल नंबर 13 है, ख़त्म नबूवत के हवाले से किसी एक हदीस का तर्जमा लिखें। आप पहले हेडिंग देंगे इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर उसके बाद सेंटर में करके आप ऐसे लिखेंगे इरशाद नबी को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं है। फिर सवाल नंबर 14 है आपका, जामे और मुकम्मल शरीयत कौन सी है, इसका आंसर आपने देना है शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे और मुकम्मल शरीयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुकम्मल और हमेशा रहने वाली हैं, इसलिए किसी नए नबी और नई शरीयत की ज़रूरत नहीं है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेके हैं, जो कुरान हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत तक पहुंची है, बस अब वही क़यामत तक काबिल कबूल है और उसी पर ही अमल किया जाएगा। कोई भी और दूसरी शरीयत, जैसे हज़रत ईसा अलैहि सलाम की शरीयत या हज़रत मूसा अलैहि सलाम की शरीयत या किसी और नबी के ऊपर जो शरीयत अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, जो अहकामात नाजिल किए थे, अब वो अमल, उन पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बल्कि कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है, वो भी किस पर अमल करेगा, अगर वो मुसलमान होता है तो वो शरीयत मुहम्मदी पर ही अमल करेगा। ठीक है, अब ता क़यामत तक जितने भी लोग हैं उन्होंने शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही अमल करना है, इसलिए शरीयत मुहम्मदी ही जामे और मुकम्मल शरीयत है। कोई भी नई शरीयत, कोई भी नई किताब जो है वो काबिल कबूल नहीं है, कोई भी नया दीन जो है वो काबिल कबूल नहीं है इस्लाम के अलावा। ठीक है, फिर सवाल नंबर 15 है आगे, कुरान मजीद की कितनी ऐसी आयात हैं जिनसे खत्म नबूवत का मफहूम वाज़ेह होता है, तो इसका जवाब है कुरान मजीद में 100 से ज़ायद आयात ऐसी हैं जिनसे खत्म नबूवत का मफहूम वाज़ेह होता है। ठीक है, यानी कुरान पाक में 100 से ज़्यादा आयात में खत्म नबूवत के बारे में बताया गया है, जिनमें ये वाज़ेह कर दिया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है, और ना ही कोई शरीयत आएगी। ये 5 सवाल हैं बेटा जी, अभी आप इसको याद करें। ठीक है, अभी मैं आपसे सुन रही हूँ।